जाने के दौरान विभाग को कट्टे और तलवारें मिली हैं। दरअसल पुलिस प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई में नामी बदमाश टप्पू चौबे और उसके भाई गोलू चौबे के ठिकानों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की, जिसमें करीब आधा दर्जन से अधिक अवैध बने मकानों को ढहा दिया गया। अतिक्रमण के पहले उसके सभी मकानों की तलाशी ली गई, जिसमें दो कट्टे, एक तलवार, एक बड़ा चाकू, कारतूस, 5 पेन ड्राइव, सोने चांदी का सामान, नकदी और भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस ने बम स्क्वाड को भी बुलाया, मगर उसके हाथ कुछ खास नहीं लग सका। वहीं इस कार्रवाई के दौरान निगम कमिश्नर को छोड़कर बाकी अमला दाएं बाएं होता नजर आया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में दोनों का खासा आतंक है, जिसके चलते पुलिस की कार्रवाई में भी स्थानीय लोगों का कोई सहयोग नजर नहीं आया। अवैध ही है, इसलिए इसमें नोटिस का तो कोई वैसे भी नहीं पड़ता, क्योंकि चोरी से मैंने अवैध बनाया, अपने अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। फिर भी इनकी जो समुचित व्यवस्था की जा सकती होगी नियमानुसार, वो की जाएगी। किसकी जमीन है ये? अभी कुछ इसका कुछ अभी देखना पड़ेगा फोन हुए कि किसकी जमीन है, क्या है। अभी वैसे ये पता लगा है कि इसकी कोई सूचित नहीं है, और जो पुलिस थाने के अनुसार जो सूचना मिली, कहने की गतिविधियाँ भी चलती थी और अवैध कार्रवाई भी होता है।